Hello everyone, this is Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination. So, in this lecture, we will cover international relations mein topic international institutions. Mein. We will be talking about Food and Agriculture Organization. So, this lecture is part of Mains Classroom program. About more courses, you can visit synopsisis.in. To get information about other courses which are available at Synopsis IAS. So talking about food and agriculture organization, so सबसे पहले we should be knowing कि ये body क्या है, what it is. So इसका हमें idea होना चाहिए कि what it is, right? Then क्या structure है, किस तरीके से काम करती है ये body. उसके अलावा resources वगैरह कहाँ से आते हैं, right? What are the sources of resources? Then क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस बॉडी के, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये इम्पॉर्टेंट है. उसके अलावा इंडिया में किस तरीके से काम कर रही है, राइट? सो इंडिया में क्या इवेंट्स हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं जो कर रहे हैं ये बॉडी, राइट? एंड देन इफ देयर आर एनी इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय दिस बॉडी, देन यू विल ऑल्सो टॉक अबाउट दोज इनिशिएटिव्स, राइट? सो दिस इज़ हाउ वील टॉक अबाउट. तो अगर हम बात करें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या, सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN. सो UN की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसमें कि आपके 194 मेंबर्स हैं, राइट? एंड इट वर्क्स इन 130 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. सो इसके मेंबर्स कितने हैं, 194 मेंबर्स आर देयर. ये ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी, सो इट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1945. सो 1945 में इस्टेब्लिश हुई थी. एंड है क्या ये, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट? एंड इसके हेडक्वार्टर्स आपको अगर आइडिया है तो इसके हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ हैं, इसके हेडक्वार्टर्स इटली में है, राइट? सो दिस यू कैन नो, राइट? सो अगर हम अब बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से काम करती है, सो यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है, राइट? एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कि होती है फाओ काउंसिल, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल. सो ये काउंसिल जो है आपके मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं, जो FAO के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बनते हैं. एंड ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ये रिस्पॉन्सिबल है टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट द डिसीजंस विच आर टेकन बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सो ये चीज़ यहाँ पर पता होनी चाहिए. उसके अलावा अगर हम बात करें कि फंडिंग कहाँ से आती है इस बॉडी की, फंडिंग के सोर्सेज क्या हैं, सो फंडिंग यूजुअली जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, सो मेंबर कंट्रीज़ ही फंड करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, राइट? एंड अगर हम बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं जिससे कि ये बॉडी क्रिएट की गई, सो यू कैन टॉक अबाउट द मैंडेट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑब्जेक्टिव है ऑब्वियसली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, सो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इट वुड बी रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, हंगर एलिमिनेट करना है, माल न्यूट्रिशन एलिमिनेट करना है. सो इट टॉक्स अबाउट फूड सिक्योरिटी कि हमें हर किसी को स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फूड सप्लाई, एंड ऑल्सो वी हैव टू इंश्योर कि रेगुलर फूड अवेलेबल हो लोगों के पास में, उसके साथ साथ क्वालिटी भी सही हो, क्वालिटी अच्छी हो एंड क्वान्टिटी फूड अवेलेबल हो. सो यहाँ पे वट एवर एडिक्वेट क्वान्टिटी दैट अ पर्सन रिक्वायर्स एंड ऑल्सो द एडिक्वेट क्वालिटी दैट शुड बी प्रोवाइडेड एंड दैट शुड बी कंसिस्टेंट, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि चार दिन के लिए खाना अवेलेबल है, चार दिन के लिए नहीं है. सो यू हैव टू, सो यहाँ पे क्या इनका ऑब्जेक्टिव है कि वी हैव टू इंश्योर कि फूड सिक्योरिटी हो फॉर everyone, राइट? स्टेबल एंड सिक्योर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशियस एंड एडिक्वेट क्वान्टिटी ऑफ फूड टू everyone. सो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल. उसके अलावा वही हाई क्वालिटी फूड एंड इन सफिशियंट क्वान्टिटी शुड बी अवेलेबल. एंड देन इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हेल्दी लाइफ स्टाइल. सो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट हेल्दी लाइफ स्टाइल. सो हाउ वी हैव टू एलिमिनेट माल न्यूट्रिशन
सो माल न्यूट्रिशन लाइक अंडर न्यूट्रिशन है या फिर माल नरिश्ड है. सो माल नरिश्ड में ओबीस वाला कंडीशन भी आता है. सो ओबिसिटी अमंग चिल्ड्रन दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लाइफस्टाइल. सो यहाँ पे हेल्दी लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करना इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. देन उसके साथ साथ रूरल प्रॉवर्टी एलिमिनेट करना है, राइट. हाउ? वी हैव टू इम्प्रूव एंड इनोवेट एग्रीकल्चर. यहाँ पे फार्मर्स का लाइवलीहुड हमें सिक्योर करना है. फार्मर्स का लाइवलीहुड सिक्योर होगा, उनकी इनकम सप्लीमेंट होगी, देन ओनली जो है आप रूरल पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं. फार्मर्स को बेटर इनकम अवेलेबल हो सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस क्वालिटी फूड. सो यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है, फिशरीज को बढ़ावा देना है, राइट. एंड फार्मर्स जो है दे आर गेटिंग बेटर इनकम फॉर देयर प्रोड्यूस, राइट. देन वी हैव टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चरल एंड फूड सिस्टम. देन इंक्रीज द रेजिलियंस ऑफ लाइवलीहुड्स टू थ्रेट्स एंड क्राइसिस. सो वी नो कि सिंस क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ रियलिटी, राइट. एंड वी नो कि इन इंडिया इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर हम इंडिया में ही बात करें, सो एग्रीकल्चर इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन मानसून. क्यों मानसून पर डिपेंडेंट है? क्योंकि वी हैव सीन कि मजॉरिटी ऑफ द कंट्री, मजॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल एरियाज जो हैं वो रेन फेड हैं. वहाँ पर इरीगेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है. एंड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वी हैव सीन कि मानसून की वेरिएबिलिटी बढ़ती जा रही है. मानसून काफ़ी ज़्यादा इराटिक है एंड वेरिएबल ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज. एंड सिंस वी नो कि इंडिया में ज़्यादातर 80% ऑफ जो रेनफॉल होती है दैट इज़ कंसनट्रेटेड इन 4 मानसून मंथ्स, राइट. तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मानसून और ज़्यादा वेरिएबल होता है सो दैट बिकम्स अ थ्रेट ऑफ लाइवलीहुड फॉर फार्मर्स, राइट. क्योंकि यहाँ पर सोइंग का टाइम बहुत ज़्यादा जो है किस टाइम पे बुआई करनी है एंड ऑल दैट दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. अगर आप उससे डिले करते हो सो अगेन उसमें यील्ड्स में फ़र्क आएगा, राइट. देन अगर फसल ख़राब हो गई बिना टाइम के बारिश हो गई सो फार्मर्स को अलग से सीड नए सीड खरीदने पड़ते हैं फॉर टू ग्रो अदर क्रॉप्स. तो वो मेन इनपुट जो है फार्मर्स का वो सीड्स खरीदने में लगता है, प्रिपरेशन में लगता है. तो फार्मर्स के पास इतने पैसे तो नहीं होते, राइट. सो अगैन वो डेट साइकिल में ही चलते रहते हैं. एंड देन वी सी कि फार्म क्राइसिस है. सो यहाँ पर भी दिस बॉडी एम्स टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड कंडीशंस एंड ऑल्सो सिक्योर एग्रीकल्चर फ्रॉम थ्रेट्स लाइक क्लाइमेट चेंज, फ्रॉम थ्रेट्स लाइक पेस्ट. सो पेस्ट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर एग्रीकल्चर, राइट. सो उसको एलिमिनेट करने के लिए भी दे वर्क इन दीज एरियाज. उसके अलावा एग्रीकल्चर में इनोवेशन करना है, राइट. कुछ बेस्ट इनोवेशंस हैं तो उसको ग्लोबली शेयर करना विद डेवलपिंग नेशंस, राइट. मैकेनाइजेशन है, डिजिटल सॉल्यूशन है टू एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स. सो उसमें रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना एंड देन ऑल्सो शेयरिंग द टेक्नोलॉजी. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के आइडिया को प्रमोट करना, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना, दीज आर सम ऑफ द मैंडेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, राइट. तो यहाँ पे अगर हम मैंडेट की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ये क्या है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, हेल्दी लाइफस्टाइल इंश्योर करना. ऑल्सो वी हैव टू इंश्योर कि क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो अवेलेबल रहे टू एवरी वन. तो ये ऑब्जेक्टिव है. और अगर आप इनके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस यही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, टेक्निकल रिसर्च करना इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर, राइट, रिसोर्सेज में. उसके अलावा अगर आप बात करो सो ट्रेनिंग करना, अगर किसी एरिया में मैकेनाइजेशन है सो हाउ फार्मर्स कैन अडॉप्ट दैट, तो उसमें ट्रेनिंग करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक्सटेंशन सर्विसेज को अवेलेबल कराना, राइट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आगे प्रमोट करना, एग्रीकल्चर में इनोवेशन है तो उसको प्रमोट करना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, राइट. देन अगर हम बात करें कि क्या सम इनिशिएटिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सो यहाँ पे इनका एक चलता है आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. एंड देन उसके अलावा ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स, ये भी इनिशिएटिव है टू एनकरेज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं इन एग्रीकल्चर
उनको बढ़ावा देना. सो ये एक प्रोग्राम चलता है राइट. उसके अलावा ये बॉडी कुछ इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स भी निकालती है. सो कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालती है? स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर रिपोर्ट हो गया राइट, देन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड माल न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर करके रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट है. सो दीज आर सम ऑफ द रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश्ड बाय दिस बॉडी राइट. सो ये चीज़ यहाँ पे एडिशनली आपको पता हो तो बढ़िया है राइट. देन इंडिया में अगर हम बात करें कि FAO एंड इंडिया, सो FAO एंड इंडिया की बात करें, सो इंडिया में जो FAO के हेडक्वार्टर्स हैं दैट आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. और इंडिया में अगर आप नोडल मिनिस्ट्री की बात करते हो कि कौन नोडल मिनिस्ट्री है राइट टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, सो दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर राइट. एंड अगर इंडिया में आप बात करो, सो इंडिया में FAO इज ऑपरेटिंग सिंस 1948 एंड सेवरल एरियाज ऑफ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, फूड इनसिक्योरिटी, क्रॉप मैनेजमेंट, फिशरीज में FAO इज ऑल्सो कोऑपरेटिंग विद इंडिया ऑन सेवरल प्रोग्राम्स राइट. सो यहाँ पे आप कंक्लूजन में बात कर सकते हैं कि FAO प्रोवाइड एन अम्ब्रेला अंडर विच कंट्रीज कैन आइडेंटिफाई स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड सोल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ राइट एंड फूड सिक्योरिटी. सो यहाँ पे आप ये बात कर सकते हैं. यू कैन टॉक अबाउट दैट क्लाइमेट चेंज, सिंस क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग द फूड इनसिक्योरिटी, इज इंक्रीजिंग द वेरिएबिलिटी, पेस्ट अटैक्स एंड ऑल दे हैव बिकम मोर कॉमन दीज डेज. सो वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक दिस सो दैट विच कैन कोऑपरेट एट ग्लोबल लेवल एंड ऑल्सो यहाँ पे टेक्नोलॉजी शेयर कर सके, इनोवेट कर सके एंड मेक थिंग्स अवेलेबल टू द डेवलपिंग कंट्रीज एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. जैसे कि वी हैव सीन लोकस्ट अटैक, सेवरल पेस्ट अटैक्स आर increasing. So how can we collaborate at the international level and how can international organizations like this can promote inclusivity, can promote sustainable development. So यहाँ पर आप इनके role का significance बताओगे in sustainable development in the present context right, when we see कि climate change and it related extreme events like pest attack, like monsoon variability, तो वहाँ पर इसका क्या role है, you can talk about that. So this was it for this lecture. Thank you.